हे वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज पता क्या दे रहा हूं, 5 गोल्डन स्किल्स। आपके अंदर 5 ऐसे गुण होने चाहिए जो आपके लाइफ को, आपके पर्सनालिटी को 4 चांद लगा देगा। आज आपको दे रहा हूं 5 गोल्डन स्किल्स। क्या क्या? प्रेज पीपल। सबसे पहला रूल है प्रेज पीपल, लोगों की प्रशंसा करें। हमेशा हम लोग, एक बुरी आदत है, हम लोग लोगों की प्रशंसा नहीं करते, हमेशा अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। आखिर कोई ना कोई तो तुम्हारी प्रशंसा करेगा, तो तुम स्टार्ट क्यों नहीं करते हो? हमेशा ऑलवेज प्रेज पीपल। हमेशा हनी अट्रैक्ट्स मोर देन विनेजर। शहद सिरके से ज्यादा अच्छा लगता है। लोगों की प्रशंसा करिए। ऑलवेज हैव अ गुड थिंग टू से अबाउट द पर्सन यू मीट। हनी अट्रैक्ट्स मोर देन विनेजर। प्रेज पीपल, मेक देम फील हैप्पी। हमेशा लोगों से मिलें और उसे खुश करने का प्रयास करें। दे विल मेक यू फील हैप्पी। अगर आप लोगों की प्रशंसा करेंगे तो लोग आपकी भी प्रशंसा करेंगे। ऑलवेज प्रेज पीपल, पहला गोल्डन रूल है, लोगों की तारीफ करना सीखें। जब आप तारीफ करेंगे ना तो आपको भी तारीफ मिलेगी। आप बोलोगे हैंडसम लग रहे हो तो भी बोलेगा आप भी हैंडसम लग रहे हो। हमेशा हम लोगों को मुस्कुराने की आदत होती है, तो ऑलवेज प्रेज। आज से पहला गोल्डन स्किल, इसे लोगों से शेयर करना और करके देखना जो दे रहा हूं। ये पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा गुण भी दे रहा हूं, एक्स्ट्रा क्वालिटी भी दे रहा हूं, जिसको फॉलो करना। सिर्फ पढ़ने पढ़ाने से नहीं, आपके इंटरनल डेकोरेशन भी जरूरी है, आंतरिक बनावट भी जरूरी है, इसको सजाने का, सवारने का प्रयास करो। तो क्या कहा? पहला गोल्डन स्किल है प्रेज पीपल, लोगों की तारीफ करें। करोगे आज से? अगली बात देखो, रूल नंबर 2 क्या कहता है, हैंडल ऑब्जेक्शन। जब भी कोई आपत्ति आए उसे हैंडल करो, लेट देम सी, उसको महसूस करो दैट यू रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, बट दैट यू आर कॉन्फिडेंट एंड कैन हेल्प देम एनीवे। आपके सामने कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन लेकर के आया है, किसी को समस्या है, तो उसको आप हैंडल करिए, उसको मिल करके आपत्ति को दूर करिए। नेवर आर्ग्यू विद द पर्सन व्हेन ही इज एक्सप्रेसिंग हिज ऑब्जेक्शन। आप जब कोई व्यक्ति दुख में हो ना, दर्द में हो ना, तो उसे आप आर्ग्यूमेंट ना करें, बहस मत करें। नेवर इंटरेस्ट, नेवर बी डिफेंसिव और इंसल्टिंग। कभी किसी का इंसल्ट ना करें, कभी किसी को प्रॉब्लम में ना छोड़ें, हमेशा एक दूसरे की मदद करें। हैंडल ऑब्जेक्शन, जब आप दूसरों की मदद करेंगे, दूसरे को सॉल्व करें प्रॉब्लम को, तो आपकी पर्सनालिटी बढ़ जाएगी और एक गोल्डन स्किल्स हैं, आप लोगों में जाने जाएंगे, लोगों में पहचाने जाएंगे और हमेशा आप आगे बढ़ करके हिस्सा लेंगे तो लोग आपको याद रखेंगे। इसलिए हैंडल ऑब्जेक्शन, आपत्तियों को दूर करें, लोगों से मिलें और उनके समस्याओं को सुनना चाहिए, लोगों की समस्याओं को दूर करनी चाहिए। तीसरा कहता है थैंक पीपल। जब भी कोई व्यक्ति आपका छोटा काम कर देता है ना, तो उसको थैंक यू बोलिए। हम लोग बड़े कंजूस हो गए हैं, क्यों कोई भी कोई काम कर देता है हम लोग थैंक यू नहीं बोलते हैं। तो ऑलवेज इट इज अ गुड मैनर टू से थैंक यू। यह एक अच्छी आदत है कि हम लोग किसी को थैंक यू बोलें। बात समझ पा रहे हो आप लोग? कह रहा है लेट द अदर पर्सन नो दैट यू आर अप्रिशिएट व्हाट दे हैव डन। कोई भी व्यक्ति आपका कोई काम कर दिया है, पीपल लाइक बींग थैंक्ड एंड लाइक द पीपल हु शोज देयर ग्रेटफुलनेस। अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर दिया हो आपका, तो आप उसके आभार व्यक्त करें। आप उसको बोलें कि आपने मेरा बहुत अच्छा काम किया, इस काम के लिए शुक्रिया, थैंक यू। थैंक देम ऑल, ऑल पीपल को थैंक यू बोलिए, चाहे छोटा काम किया हो चाहे बड़ा काम किया हो। कोई भी व्यक्ति आपका बड़ा से छोटा कोई काम किया हो, उसको थैंक यू बोलें, लोगों का शुक्रिया अदा करें, लोगों को थैंक यू बोलें। ये 5 गोल्डन स्किल है, 5 गोल्डन रूल है। अगर इसको फॉलो करोगे तो आपके अंदर भी एक गोल्डन स्किल आ जाएगा। क्या कहा? लोगों का शुक्रिया अदा करें, लोगों की तारीफ करें, लोगों की समस्याओं को सुने, समाधान करने का प्रयास करें। ये 5 गोल्डन स्किल है। चौथा स्किल देखते हैं क्या कहता है। स्माइल, हमेशा मुस्कुराएं, मधुर मुस्कान। हमेशा जितनी भी समस्याएं होना, मुस्कुराते रहो हमेशा, ऑलवेज। क्योंकि स्माइल जो है नेचुरली हो, सिंसियरली हो, क्योंकि यह एक
इन्फेक्चुअस डिजीज होता है। जब आप मुस्कुराते हो ना तो लोग भी मुस्कुराते हैं। स्माइल नेचुरली एंड सिंसियरली, डोंट ग्रीन आर्टिफिशियली, नौटंकी नहीं करना है, बट स्माइल एनफ टू शो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द पर्सन। ऐसे मुस्कुराइए जैसे सामने वाले में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। लुक एट द पर्सन टू होम यू आर टॉकिंग, जिससे आप बात कर रहे हैं उसे आंख में आंख डाल करके बात करिए। एक्सप्रेशन दैट यू वियर इन योर फेस मेक अ मच ग्रेटर इंपैक्ट दैट द क्लोथेज यू वियर। जो आप पहने हो, जो आप बात कर रहे हो, उसके साथ घुल मिल करके बातें करो, आंखों में आंखें डाल करके बात करो और एक स्माइल हमेशा देने का प्रयास करो, क्योंकि स्माइल एक बढ़िया से बढ़िया आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाएगा। चूंकि है क्या तो स्माइल ये गोल्डन स्किल में आता है, ये चौथा स्किल है आपके लाइफ को बढ़ाने का। फाइव गोल्डन रूल, फाइव गोल्डन स्किल में स्माइलिंग, लाफिंग, लाफिंग ज्यादा जोश नहीं, स्माइल मुस्कुराना। जब आप मुस्कुराते हो ना तो लोग आप पे फिदा होते हैं, आपकी चीजों में फिदा होते हैं, आप ही मुस्कुराते हैं। इसलिए ऑलवेज हमेशा स्माइल पेश करिए, हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करिए। पांचवा स्किल है और वो कहता है प्रेजेंटेबल, मोहक अंदाज। There is no dress for success. सफलता का कोई ड्रेस नहीं होता। You should be neat and clean and well groomed. सफलता का कोई ड्रेस नहीं होता, आप जो भी पहनते हो जैसा भी ड्रेस है नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हेयर शुड बी शॉर्ट परफेक्टली एंड क्लीन शेप, यानी कि आपका जो शेप हो बड़े बड़े दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब आपके जो बॉडी पर्सनालिटी है ना वो अलग से दिखना चाहिए, है ना। कोई सक्सेस का कोई ड्रेस नहीं होता, जिसमें आप अच्छे लगते हो ना वही पर्सनालिटी आपकी हो जाएगी। डोंट बी ओवर ड्रेस्ड, राइट, डोंट ओवर ड्रेस्ड, बट सर्टेनली डोंट बी अंडर ड्रेस्ड। यू शुड नॉट फील आउट ऑफ प्लेस, हैव अ गुड मैनर, टू लुक अप एंड नॉट डाउन। हमेशा ऑलवेज ध्यान रखिए कि जो आपकी पर्सनालिटी हो वो वेल ग्रूम्ड हो, ओवर ड्रेस्ड भी ना हो और अंडर ड्रेस्ड भी ना हो। कहने का सेंस ये है कि आप वेल मैनर्ड हो, अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहनते हो, चेहरे क्लीन्ड हो, ऐसा ना हो गंदे हो, शरीर से बदबू आ रही हो, ठीक है। आगे देखो, पीछे नहीं देखना, लुक फॉरवर्ड एंड नॉट बैक, टू लुक आउट एंड नॉट इन। हमेशा आगे आपकी सोच अग्र हो, आगे सोचने वाले हो, हमेशा आपकी थिंकिंग हाई हो, हमेशा आप पॉजिटिव एटीट्यूड के हो, आपके माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव हो, नेगेटिव थॉट नहीं रखते हो, तो ऐसी पर्सनालिटी जो हो आपका प्रेजेंटेबल जो है एक मोहक अंदाज होता है, आपके बोलने का अंदाज। हमेशा हमने क्या बताया तो ध्यान रखिए, प्रेज पीपल, लोगों की तारीफ करें। दूसरा क्या कहा हमने, ऑलवेज क्या कहा कि प्रेज पीपल, क्योंकि लोगों की तारीफ करेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, राइट। सेकेंड थिंग हमने कहा कि ऑलवेज माइंड करना है कि जब आप प्रेज करेंगे तो लोग आपके पास बैठेंगे, तो एक स्माइल पेश करना है, आपको मुस्कुराना है ताकि लोग भी, मुस्कुराना एक इन्फेक्चुअस होता है, इन्फेक्शन होता है, ट्रांसफरेबल होता है। जब आप मुस्कुराएंगे तो लोग भी आपकी तरफ आकर्षित होंगे और वह भी मुस्कुराएंगे, ठीक है। ये जो फाइव गोल्डन स्किल हमने दिया आपको, ये स्किल आपके अंदर होने चाहिए और हमेशा अपने अपने बॉडी में, अपने पार्ट में, अपने पर्सनालिटी में एड ऑन करना चाहिए, जिससे आपकी पर्सनालिटी को चार चांद लगे। यह वीडियो लोगों के साथ शेयर करने के लिए, इस वीडियो को ग्रुप में देखने के लिए, शेयर करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलकर देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू।